हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई बंगाली सीरीज सीन विस्पर्स ऑफ गिल्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कोलकाता में रहने वाली रूमी से। रूमी एक जर्नलिस्ट है और वो एक लड़की से मिलने जा रही थी। तो वही हम मोहना नाम की लड़की को देखते हैं जो रूमी का इंतज़ार कर रही थी। तभी मोहना अपना मोबाइल तोड़ देती है और वहाँ पर एक आदमी आता है जो मोहना को पकड़कर अपने साथ कार में कहीं ले जाता है। रूमी जब वहाँ पर आती है तो उसे वहाँ पर मोहना का टूटा हुआ मोबाइल मिलता है और ये देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। जिसके बाद हम मोहना को देखते हैं जो उस आदमी के साथ थी। वो आदमी मोहना को मारने की कोशिश कर रहा था और मोहना वहाँ से भाग रही थी। भागते हुए वो जानबूझकर अपनी पर्स में से कुछ गिरा देती है। तभी वहाँ पर उस आदमी का बॉस आता है और मोहना को शूट कर देता है, जिसके बाद मोहना की बॉडी को वो लोग जला देते हैं। अब अगले दिन पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर अनंतो नाम का पुलिस ऑफिसर आता है जो कि ट्रेनिंग पर था, लेकिन वो ट्रेनिंग छोड़कर वापस आ गया था क्योंकि उसे ये केस सॉल्व करना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनंतो का इस केस के साथ कुछ रिलेशन है और उसी की वजह से उसे ये केस चाहिए था। अब अनंतो जब बॉडी को देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि बॉडी को बुरी तरह से जला दिया गया था, इसलिए वो लड़की कौन है ये पुलिस वाले पता नहीं कर पाते। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस लड़की के फिंगर में एक रिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी और इतनी आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलती थी। अब उस रिंग को देखकर आनंद तो समझ जाता है कि वो उस रिंग के जरिए उस लड़की तक पहुँच जाएगा। जिसके बाद आनंद तो अपने सीनियर से मिलता है और इस केस को लेने की बात करता है, लेकिन सीनियर उसे समझाता है कि वो इस केस को प्रोफेशनली हैंडल करे और ज़्यादा पर्सनल ना हो और हो सके तो वो समीर को माफ़ कर दे। जिसके बाद हम समीर को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि समीर भी एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा था और उसे जॉब से निकाल दिया गया था। जिसके बाद समीर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, इसलिए वो एक साल के लिए रिहैब सेंटर भी चला गया था। अब समीर रिहैब से वापस आ चुका है और वो अपनी ज़िंदगी नए से शुरू करना चाहता है और इसीलिए सस्पेंशन खत्म होने के बाद भी उसने वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया था। अब समीर काफ़ी खुश था क्योंकि उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है। तो वही हम रूमी को देखते हैं जिसे उस मर्डर के बारे में पता चलता है। वो जब उस स्पॉट पर जाती है तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि जिससे वो कल मिलने जा रही थी वो वही लड़की होगी। तभी रूमी को पता चलता है कि उस लड़की के पास भी एक सिम्बॉल मिला था और ये देख कर रूमी काफ़ी शॉक थी क्योंकि 2 साल पहले भी एक लड़की की मौत हुई थी और उसके पास भी यही सिंबल मिला था, लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चला था कि आखिर ये सिंबल है किसका। जिसके बाद रूमी घर जाती है तो समीर ने उसके लिए खाना बनाया था। समीर उसे बताता है कि उसे सिक्योरिटी की जॉब मिल गई, लेकिन ये सुनकर रूमी काफ़ी उदास थी। अब रूमी और समीर की बात करें तो वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक साथ रहते हैं। रूमी समीर को बताती है कि आज एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसके पास भी वही सिंबल मिला है जो 2 साल पहले पीयू नाम की लड़की के पास मिला था। अब ये सुनकर समीर काफ़ी पैनिक होने लगता है क्योंकि 2 साल पहले जो हुआ था उसे समीर भूल जाना चाहता था, लेकिन रूमी चाहती है कि समीर इस सब को फेस करे और वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करे और इस केस को सॉल्व करे। वो समीर से कह रही थी कि वो सिक्योरिटी की जॉब ना करे, लेकिन समीर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद हमें 2 साल पहले की कहानी पता चलती है। एक्चुअली समीर और आनंद तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आनंदो का एक भाई है रिजू, जिसकी और समीर की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन समीर और आनंदो को एक ड्रग डील के बारे में खबर मिली और वो उस जगह पर पहुँचे ताकि वहाँ के लोगों को वो पकड़ सके। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ कॉलेज के बच्चे थे। अब समीर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन वो लड़की काफ़ी तेज भाग रही थी। अब समीर उस लड़की को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चलाता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर आनंद आता है और देखता है कि ये लड़की तो उसके भाई की गर्लफ्रेंड पीयू थी। तभी वहाँ पर आनंदो का भाई रिजू भी आता है और वो जब पीयू को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तब से रिजू डिप्रेशन में चला गया था और अभी 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी उसकी हालत ऐसी ही थी और इसी वजह से आनंदो समीर से नफरत करता है। दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज आनंदो समीर से नफरत करता है। उसे लगता है कि समीर एक मर्डरर है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तभी समीर पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा और उसे 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था।
जिसके बाद समीर इतना परेशान हो गया था कि उसे रिहैब सेंटर जाना पड़ा। अब रूमी भी इसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसे भी जॉब से निकाला गया था, जिसके बाद रूमी ने अपने फ्रेंड सिद्धू के साथ मिलकर एक नया मीडिया हाउस शुरू कर दिया था और वह अभी काफ़ी फेमस हो गए थे। रूमी चाहती है कि समीर वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करे और सच्चाई का पता लगाए, क्योंकि समीर ने जब पीयू को शूट किया था तो पीयू के पास भी वही सिंबल मिला था जो आज मोहन के पास मिला है, और रूमी चाहती थी कि वो उस सिंबल के राज का पता लगा सके। समीर पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो रूमी की बात मान लेता है। समीर अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करता है, इसलिए उसके सीनियर भी काफ़ी खुश थे। उनके सीनियर चाहते हैं कि समीर और आनंद तो मिलकर इस केस को सॉल्व करें। अब इसके लिए आनंद तो तैयार नहीं था, लेकिन वो अपने सीनियर की बात को मना नहीं कर पाता और वो दोनों एक साथ काम पर लग जाते हैं। अब रूमी को पता चलता है कि जो लड़की की मौत हुई थी उसने एक रिंग पहनी थी और वो 14 लाख रुपए की थी। जब रूमी इस रिंग के बारे में सुनती है तो वो कहती है कि उसने वो रिंग मोहना के हाथ में देखी थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले रूमी को एक डील के बारे में खबर मिली थी और उसी का पता लगाने के लिए रूमी एक फैक्ट्री में गई थी, जहाँ पर वो तीन आदमी किसी डील के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर मोहना आई और उसने वो डील कर दी, जिसके बाद जब वो बाहर जा रही थी तो उसने रूमी को देख लिया। वो रूमी से कहने लगी कि वो वापस यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये लोग काफ़ी खतरनाक हैं और अगर उन्हें रूमी का पता चल गया तो वो उसे मार देंगे। रूमी कहती है कि उस दिन मोहना के हाथ में भी वैसी ही रिंग थी। अब रूमी को पूरा यकीन हो गया था कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मोहना ही है। वो एक्चुअली उस दिन रूमी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली थी और इसीलिए उसने रूमी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन रूमी जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर मोहना नहीं थी। अब रूमी को यकीन हो गया था कि वो मोहना थी, इसलिए वो मोहना का स्केच बनवाती है ताकि पुलिस वालों को मोहना के बारे में जानकारी मिल सके। जब आनंद तो मोहना के बारे में पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि मोहना अक्सर बड़े बड़े होटल में आया करती थी। तब वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मोहना के साथ एक सेजल नाम की लड़की भी उस होटल में आया करती थी। अब आनंद को यकीन हो गया था कि मोहना एक सेक्स वर्कर है, लेकिन समीर को ऐसा नहीं लगता था। तभी समीर को पता चलता है कि एविडेंस रूम से वो रिंग गायब हो चुकी है। ये देखकर समीर समझ जाता है कि उनमें से ही कोई है जो उस आदमी की मदद कर रहा है जिसने मोहना को मारा था। तभी रूमी को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो उसकी माँ से मिलने चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूमी के पापा की 6 साल पहले मौत हो चुकी है और उनकी मौत के बाद उसके पापा का दोस्त बिजॉय अक्सर उनके घर आने लगा, जिसके बाद रूमी की माँ का बिजॉय के साथ अफेयर शुरू हो गया। एक दिन रूमी ने बिजॉय को किसी और लड़की के साथ रोमांस करता हुआ देख लिया और ये देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो गई। बिजॉय ने रूमी की माँ से माफ़ी मांगी और उसकी माँ ने बिजॉय को माफ़ भी कर दिया, लेकिन रूमी को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और अपनी माँ से सेपरेट रहने लगी। तो वही आनंद तो मोहना की दोस्त सेजल को पूछताछ के लिए बुलाता है, जहाँ पर सेजल बताती है कि वो और मोहना सेक्स वर्कर है और वो उसी काम के लिए होटल में जाया करते थे। बाकी मोहना की लाइफ में क्या चल रहा था इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, जिससे आनंद तो काफ़ी परेशान हो गया था क्योंकि ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो रही थी। अब तक ना ही उन्हें मोहना के कातिल का पता चला था और ना ही उस सिंबल की मिस्ट्री का। वो जब घर जाता है तो उसके भाई रिजू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसे हमेशा पैनिक अटैक आते थे जिससे उसे संभालना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। एक्चुअली रिजू को बार बार पीयू की याद आती और रिजू की यह हालत देखकर आनंद तो समीर से और ज़्यादा नफरत करने लगता। तो वही रूमी उसके खबरी खालिद से कहती है कि वो मोहना के बारे में पता करे। तब खालिद उसे बताता है कि उसने मोहना को आशिक पिंटो के साथ देखा था। अब आशिक पिंटो की बात करें तो वो एक डीलर था जो अमीर लोगों को लड़कियां सप्लाई किया करता था। रूमी इस बारे में समीर को बताती है तो समीर को पता चलता है कि आशिक पिंटो अभी गायब है, लेकिन वो पता करता है कि आशिक पिंटो अक्सर एक सेक्स वर्कर के पास आता है, जिसके बाद समीर उस लेडी से जाकर मिलता है। वो उससे वादा करता है कि अगर उसने आशिक पिंटो के बारे में सब कुछ सच बता दिया तो वो उसके बच्चे के एजुकेशन की जिम्मेदारी लेगा। अब ये सुनने पर वो लेडी आशिक पिंटो के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि वो किस तरह से लड़कियों को बुलाता है और अमीर लोगों के पास भेजता है, लेकिन जब वो उसे मोहना के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि मोहना को लेने एक काफ़ी महंगी गाड़ी आया करती थी। वो गाड़ी बस मोहना के लिए आती थी और वो अकेली उस गाड़ी में चली जाती थी। अब वो किसके पास जाती थी वो उस लेडी को नहीं पता।
लेकिन उसे ये पता था कि मोहना किस गांव से बिलोंग करती है। जिसके बाद समीर रूमी को लेकर मोहना के गांव जाता है। वहां पर पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि मोहना के पापा टीचर थे और चाहते थे कि मोहना को भी अच्छी जॉब मिले, लेकिन मेरिट होने के बाद भी मोहना को जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि वहां पर काफी सारा करप्शन था। अब मोहना के फ्यूचर के लिए उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो भी रिश्वत देंगे, और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो रिश्वत देंगे। लेकिन ये बात गांव में फैल गई कि किस तरह एक टीचर ही रिश्वत देने लगा है, और उसकी वजह से मोहना के पापा की काफ़ी बदनामी हो गई। एक दिन कुछ लड़कों ने आकर उनके मुंह पर कालिक भी पोत दी, और इस सब से मोहना के पापा काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, और एक दिन उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। जिसके बाद मोहना काफ़ी अकेली पड़ गई थी और वो कोलकाता चली आई। अब कोलकाता आने के बाद वो इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गई ये किसी को भी पता नहीं था। जब रूमी मोहना की कहानी सुनती है तो उसे मोहना के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि मोहना वहाँ से कोलकाता आकर इस सब में इन्वॉल्व कैसे हो गई। तो वही हम आनंदो को देखते हैं जो रिजू के साथ बैठा हुआ था। रिजू पीयू के फोटोज देख रहा था, तभी आनंदो देखता है कि पीयू के फोटो में सेजल भी थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि सेजल पीयू को जानती थी, इसलिए आनंदो अपने कलीग बिमल से कहता है कि वो सेजल को वापस पूछताछ के लिए लेकर आए। लेकिन हम देखते हैं कि बिमल ने सेजल को पकड़ तो लिया था, लेकिन वो उसे आनंदो के पास नहीं लाता बल्कि कहीं और उसे छुपा कर रखता है, और आनंदो को बताता है कि सेजल तो भाग गई, उसे वो मिली ही नहीं। अब आनंदो काफ़ी परेशान हो गया था, साथ ही वो रिजू की हालत देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो पीयू के घर जाता है और पीयू के मम्मी पापा से कहता है कि वो न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दें और सबको बताए कि किस तरह से उनकी बेटी का कातिल आज़ाद हो चुका है और वापस अपना जॉब करने लगा है। अब इसके लिए पीयू के पापा तो नहीं मानते, लेकिन उसकी माँ मान जाती है। अब काफ़ी लोग पीयू की माँ को सपोर्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से समीर को जॉब से निकाला जाता है। लेकिन उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि समीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहते हैं कि समीर अनऑफिशियली ही सही लेकिन इस केस पर काम करता रहे, और समीर भी उनकी बात मान लेता है। तभी समीर को आशिक पिंटो के बारे में पता चलता है और वो उसे पकड़ कर आनंदो को देता है, क्योंकि अब आनंदो ही उस केस का इंचार्ज था। जब आनंदो अपने किसी काम से बाहर गया था, तभी वहां पर बिमल आता है। बिमल पुलिस स्टेशन में इस तरह से आता है कि किसी भी सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा नहीं आना चाहिए। जिसके बाद वो आकर आशिक पिंटो को पानी देता है और वो पानी पीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस स्टेशन में आशिक पिंटो की मौत हो गई थी, इसलिए आनंदो के सीनियर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। तभी आनंदो को पता चलता है कि एविडेंस रूम से रिंग भी गायब हो गई थी। ये सुनकर आनंदो काफ़ी शॉक था। उसका कलीग बताता है कि समीर को यह बात पहले से पता थी कि उन्हीं में से कोई है जो उस क्रिमिनल की मदद कर रहा है। अब आनंदो को बिमल पर डाउट आता है, क्योंकि बिमल ही था जो बार बार अपने काम से पीछे हट रहा था। अब आनंदो बिमल को कॉल करता है तो बिमल बताता है कि वो अपने बेटे के गैदरिंग में आया है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता। जब आनंदो अपने कलीग से बिमल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि बिमल की फैमिली उसके साथ नहीं रहती, उसकी वाइफ ने काफ़ी साल पहले उसे छोड़ दिया था। अब ये सुनने पर आनंदो का डाउट और गहरा हो जाता है, और वो अपने कलीग से कहता है कि वो बिमल के लोकेशन के बारे में पता करें। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दो दिनों से बिमल एक जगह पर बार बार गया था। जिसके बाद आनंदो वहां पर जाता है तो वहां पर बिमल ने सेजल को छुपा कर रखा था। अब आनंदो सेजल को पानी पिलाता है और उसे सब कुछ सच पूछने लगता है। तो सेजल बताती है कि पहले उसने जो आनंदो को बताया था कि वो सेक्स वर्कर है, वो झूठ बोला था। एक्चुअली सेजल और मोहना पैसों की डील किया करते थे, उन्हें बस सेक्स वर्कर बनकर होटल में जाना था और वहां से पैसे लेकर आने थे। जिसके बाद उन पैसों को लेकर वो एक फैक्ट्री में जाते थे और वहां पर उन पैसों को रखा जाता था। अब आगे क्या होता था ये सेजल को नहीं पता था। जिसके बाद आनंदो सेजल को पीयू के बारे में पूछने लगता है कि वो पीयू के बारे में कैसे जानती है। अब पीयू को देखकर सेजल उसे बताने लगती है कि 2 साल पहले वो और पीयू एक साथ काम किया करते थे। वो ड्रग्स की डील करते थे जिसमें से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन उसे पीयू ने बताया कि एक काफ़ी बड़ी डील होने वाली है। तब भी उसने पीयू के पास वो सिंबल भी देखा था। उस सिंबल का मतलब था कि वो एक ड्रग डीलर है, और उसे दिखाने के बाद ही सामने वाली पार्टी समझ जाती कि इन्हीं के साथ डील करनी है। अब पीयू उस दिन काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आए और पीयू की मौत हो गई।
अब ये सब सुनकर आनंद तो काफी शॉक था। वो सेजल को लेकर अपने घर आता है क्योंकि वो रिजू को भी सारी सच्चाई बताना चाहता था। सेजल बताती है कि पीयू एक ड्रग डीलर थी, लेकिन इस बात को रिजू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तब सेजल बताती है कि पीयू ने रिजू को एक बैग दिया था, उसे वो लेकर आए। रिजू बैग लेकर आता है, लेकिन उसमें तो दो किताबें थी। जिसके बाद सेजल उस बैग को फाड़ती है तो उसके अंदर ड्रग्स के पैकेट थे, और ये देखकर रिजू समझ जाता है कि पीयू एक ड्रग डीलर थी। सेजल बताती है कि पीयू रिजू से प्यार नहीं करती थी, वो रिजू के साथ बस इसलिए थी क्योंकि रिजू का भाई पुलिस में था, क्योंकि अगर पीयू किसी पुलिस केस में फंस जाती तो आनंद तो उसे बाहर निकालता। अब ये सब सुनकर रिजू समझ जाता है कि पीयू एक क्रिमिनल थी और वो बस रिजू का यूज कर रही थी। तो वही आनंद को काफी पछतावा था क्योंकि उसने समीर को काफी तकलीफ दी थी, और वो सोचता है कि वो समीर से माफी मांगेगा। तो वही हम समीर को देखते हैं जो रूमी को बताता है कि वो सस्पेंड हो चुका है। अब ये सुनकर रूमी समीर से माफी मांगती है क्योंकि रूमी की वजह से ही समीर ने अपना जॉब वापस ज्वाइन किया था। रूमी समीर को बताती है कि 6 साल पहले उसके पापा को किसी ने गोली मारी थी। जब रूमी वहां पर आई तो उसके पापा के पास भी वही सिंबल था, और तब उसे पता चला कि पीयू की मौत के बाद भी पीयू के पास भी वही सिंबल था, और अब मोहना की मौत के बाद भी उसके पास भी वही सिंबल है। जिससे रूमी को लगा कि अगर ये केस सॉल्व हो गया तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसके पापा का कातिल कौन है। जब समीर ये सुनता है तो वो रूमी से कहता है कि वो चिंता ना करे, भले वो सस्पेंड हो चुका है लेकिन वो सच्चाई पता लगा कर रहेगा। जिसके बाद आनंद तो समीर को मिलने के लिए बुलाता है और उसे माफी मांगता है। अब आनंद और समीर पहले की तरह दोस्त बन गए थे। समीर आनंद को बताता है कि वो पीयू को मारना नहीं चाहता था, वो बस पीयू के पैर में गोली मारना चाहता था ताकि वो रुक जाए, लेकिन अचानक वो नीचे झुक गई और गोली ऊपर लग गई और उसी की वजह से पीयू की मौत हो गई। अब ये सुनने पर आनंद को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने अब तक समीर के साथ काफी बुरा बिहेव किया था। वो उससे माफी मांगता है और समीर ने भी उसे माफ कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों फिर से अपने केस में लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन से उस रिंग को बिमल ने चुराया था और उसने वो रिंग सिद्धू को दी थी जो कि रूमी का दोस्त था। अब वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि सिद्धू इस सब में कैसे इन्वॉल्व है। वो सिद्धू का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन सिद्धू भी गायब था। लेकिन कुछ टाइम बाद समीर को सिद्धू का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। तभी रूमी को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे घर पर बुलाती है। अब रूमी समीर को लेकर अपने घर पर आती है, जहाँ पर रूमी की माँ बताती है कि वो और बिजोय शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनकर रूमी उनसे कहती है कि अगर उन्हें लगता है कि वो बिजोय के साथ खुश रहेगी तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब ये सुनकर रूमी की माँ काफी खुश होती है और वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी समीर बिजोय से पूछता है कि उसने मोहना को क्यों मारा, जिस पर बिजोय का कहना था कि वो तो मोहना को जानता भी नहीं, वो उसे क्यों मारेगा। और यहाँ पर हमें सारी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली बिजोय एक MLA है और वही करप्शन किया करता था। उसी ने मोहना के पापा से पैसे मांगे थे और उन्होंने उसे पैसे दिए थे, लेकिन उसकी वजह से मोहना के पापा की काफी बदनामी हो गई और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद मोहना ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेगी और इसीलिए वो दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर उसने बिजोय के सारे ब्लैक कामों पर नजर रखी और वो समझ गई कि उसे बिजोय के पास किस तरह से जाना है। वह सबसे पहले ड्रग्स में डील करने लगी और उनका सारा बिजनेस समझ लिया। जिसके बाद मोहना आशिक पिंटो के पास गई क्योंकि वही लड़कियां बिजोय के पास भेजता था। जिसके बाद आशिक पिंटो ने मोहना को बिजोय के पास भेजा। अब मोहना ने बिजोय को काफी खुश कर दिया, इसलिए बिजोय उसे बार बार बुलाने लगा और मोहना यही चाहती थी। वो बिजोय के साथ रहकर उसके सारे ब्लैक के बिजनेस के बारे में पता करने लगी कि वो कहाँ से पैसा लाता है और उसे कहाँ पर रखता है, और मोहना उस सब के वीडियोस और फोटोज निकालने लगी। जिसके बाद उनका जो सिंबल था, मोहना ने उसी सिंबल का एक स्कैनर बनवाया जिसे अगर कोई स्कैन करेगा तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब समीर ने उन सिंबल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि मोहना के पास जो सिंबल मिला था वो थोड़ा सा अलग था, और इसी वजह से मोहना जब पकड़ी गई थी तो उसने जानबूझकर वो सिंबल कहीं और छोड़ दिया था। जब समीर ने उसे स्कैन किया और उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये सब सुनने पर बिजोय कहता है कि उसने मोहना को नहीं मारा था और ना ही उसके मर्डर में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। बिजोय का कहना था कि उसने मोहना को गोली नहीं मारी। बिजोय का कहना था कि वो किसी लड़की को 2 बार गोली क्यों मारेगा, लेकिन समीर ने तो उसे बताया नहीं था
कि मोहना को 2 बार गोली मारी गई थी, जिससे विजय का झूठ पकड़ा गया था। अब विजय काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन निकालता है। वो समीर से कहता है कि वो उसे भी खत्म कर देगा। अब उसकी गन देखने पर समीर रूमी को बताता है कि इसी गन से उसके पापा की भी मौत हुई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजय और रूमी के पापा काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब 1000 और 500 के नोट बंद हो गए तो विजय चाहता था कि उसकी सारी ब्लैक मनी रूमी के पापा ले लें और उसे व्हाइट में कन्वर्ट करके विजय को पैसे दे दें। लेकिन रूमी के पापा ये सब करने के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से गुस्से में आकर विजय ने रूमी के पापा को मार दिया और रूमी की माँ के साथ अफेयर किया ताकि वो उनके बिजनेस में अपने ब्लैक मनी डालकर उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर सके। जब रूमी और उसकी माँ ये सच्चाई सुनते हैं तो वो विजय पर काफी गुस्सा होते हैं। रूमी की माँ चाहती थी कि वो विजय को मार दे, लेकिन रूमी अपनी माँ को वहां से ले जाती है। तो वही हम आनंदो को देखते हैं जो विजय के उस अड्डे पर पहुंच गया था जहां पर विजय के सारे पैसे रखे थे। वहां पर वो मीडिया को बुलाता है और सबके सामने इस बात का खुलासा होता है। तो वही विजय अब समझ चुका था कि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी और उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे, इसलिए वो खुद को ख़त्म कर लेता है। तो वही पीयू के पापा मीडिया को बताते हैं कि उस दिन उन्होंने ही पीयू की खबर पुलिस को दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि पीयू एक क्रिमिनल है और समीर ने उसे मारकर कोई गलती नहीं की। तो वही हम रूमी को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर वापस आती है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज की स्टोरी। अगर आपको सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।